नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्लूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों। आप मुझसे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेल टून बांसुरियाँ और कम कीमत में। ये बांसुरियों का आज मैंने पूरा सेट बनाया है। 12 तो ये बेस बांसुरियाँ हैं और 12 बांसुरी है मिडिल वाली। 12 मिडिल बांसुरी फ्राई बेम्बू की बेस्ट क्वालिटी की बांसुरियाँ ये, और 12 बेस बांसुरियाँ हैं। इसका ऑर्डर दिया था मिस्टर इंद्र बहादुर पूंजी, आप मिलिट्री में हैं और जम्मू एंड कश्मीर में फिलहाल पोस्टेड है, और ये संगीत का शौक़ रखते हैं बांसुरी बजाने का। तो उन्होंने ये पूरे सेट का मुझे आज मतलब एक महीना पहले ऑर्डर दिया था। उनकी बांसुरियाँ भी बन के तैयार हुई हैं, तो उनकी इच्छा थी कि यूट्यूब पे मैं इन बांसुरियों का एक ट्यूनिंग का वीडियो पोस्ट करूं, ताकि सभी को मालूम पड़ जाए बांसुरी की ट्यूनिंग क्या है, और साथ में इनकी बांसुरी की ट्यूनिंग का भी आइडिया लग जाए कि ट्यूनिंग कैसी होती है। तो ये सारी बांसुरियाँ मैं सिर्फ सरगम बजाकर आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसके अंदर 12 बेस बांसुरियाँ हैं, बी बेस से लेकर सी बेस तक की 12 बांसुरी, और बी मिडिल से लेकर और सी मिडिल तक की 12 बांसुरी। ऐसे 24 बांसुरी का सेट है। ये पूरा जो सेट है ये 35,000 रुपये का पूरा सेट की कॉस्टिंग है, और ट्रांसपोर्टिंग खर्चा अलग है, और कवर जो है उसके चार्जेज अलग होते हैं। बांसुरी के जो सेट हैं हमारे पास कम से कम 25,000 रुपये से चालू है, और लास्ट रेंज जो है उसकी 40,000 रुपये तक की है, जिसमें कोरियर खर्चा सब शामिल हो जाता है। तो आइए सुनते हैं इन बांसुरी की आवाज़। सबसे पहले ये बी बेस की बांसुरी है, बेस में सबसे छोटी बांसुरी बी बेस, लगभग 20.5 इंच की है। और ये बांसुरी है ए बेस की, और ये बांसुरी है ए सार बेस की, बी बेस और ए बेस से छोटी बांसुरी है, ए बेस छोटी और बी से बड़ी, ए सार बेस। और ये बांसुरी है जी शार्प बेस की, से बड़ी बांसुरी होती है जी सार बेस काली चाट। और इसके बाद है बांसुरी जी बेस सफेद 5, जी साब से थोड़ी सी बड़ी बांसुरी होती है।
ये सफेद पास की बासुरी जी बेस, इसके बाद बासुरी ये एफ सार बेस काली तीन। और इससे बड़ी बासुरी यही है एफ बेस की सफेद चार। सफेद चार की बासुरी एफ बेस की, इससे बड़ी बासुरी है ई बेस सफेद तीन, जो बेस बासुरी में सबसे ज्यादा काम में आती है कंसर्ट प्रोग्राम के लिए। सारी बासुरी में चार सप्तक के स्वर आराम से बजेंगी और इससे बड़ी बासुरी है ये डी शार्प बेस, ये डी शार्प बेस काली दो। काली दो से बड़ी बासुरी सफेद दो की डी बेस, इसका वीडियो मैंने कल भी पोस्ट किया था यूट्यूब चैनल पे, आज दोबारा इसकी ट्यूनिंग आपको सुना देता हूं। ये सफेद दो की बासुरी है बेस बासुरी में थर्ड नंबर सबसे बड़ी से तीसरे नंबर की डी बेस, और उससे बड़ी बासुरी है सी सार बेस काली काली एक। और ये बेस बांसुरी में सबसे बड़ी बेस के अंदर सी बेस की बांसुरी, इसकी लंबाई होती है लगभग 36 इंची।
ये जो मास्टरपीस की आप बनावट देख सकते हैं, तीसरा होल थोड़ा सा आउटसाइड और छठा होल इनसाइड। ये वैसे लेफ्ट हैंड की मास्टरपीस है और मैं लेफ्ट हैंडेड ही बजा रहा हूँ इसको, मैं खुद ही लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो ये मास्टरपीस भी लेफ्ट हैंड प्लेयर के हिसाब से बनाई हुई है। इसके बाद ये आएंगी 12 मिडिल मास्टरपीस। मिडिल मास्टरपीस सबसे बड़ी होती है ये सी मिडिल, जो बिगिनर्स के सबसे ज़्यादा काम में ये आती है, सी और सी सार मिडिल बांसुरी होती है। तो सबसे बड़ी बांसुरी होती है मिडिल में सी। सी मिडिल के बाद ये बांसुरी है सी शार्प मिडिल, सी मिडिल से छोटी बांसुरी होती है सी शार्प मिडिल। ये सी शार्प काली एक की बांसुरी है, सी की सफेद एक बोलते हैं सी वाली को, और इससे छोटी बांसुरी है ये डी मिडल सफेद दो। उससे छोटी बांसुरी है ये काली दो की डी शार्प मिडल। ये सारी बांसुरियां लेफ्ट हैंड प्लेयर के हिसाब से बनी हुई है। ये काली दो की बांसुरी है, उसके बाद है ये सफेद तीन की मिडिल बांसुरी, सफेद तीन ई मिडिल। ई मिडिल छोटी बांसुरी होती है एफ मिडिल की, एफ मिडिल सफेद चार। ये सफेद चार की बांसुरी है, एफ मिडिल भी बोल सकते हैं इसको, और इससे छोटी बांसुरी होती है ये एफ शार्प मिडिल काली तीन।
ये जो हीरो की टोन है वो इसी बांसुरी इसी स्केल में बजी हुई है एफ शार्प मिडल में, और इससे छोटी बांसुरी है ये जी मिडल सफेद पांच। छोटी बांसुरियों की ट्यूनिंग सेट करना और उनके होल्स के साइज बनाना ये बड़ा टेढ़ा काम है। हर कोई फ्लूट मेकर मिडिल की बांसुरियाँ जो ये छोटी छोटी बांसुरियाँ हैं ये हर कोई फ्लूट मेकर नहीं बना सकता है, जिनको एक्सपीरियंस है वही बना सकते हैं। और ये जी शार्प मिडिल काली चार तार सप्तक के स्वर आराम से बजेंगे हमारी बांसुरियों में। परफेक्ट डायमीटर और परफेक्ट डायमीटर होगा तो साउंड उसका परफेक्ट ही आएगा, तार सप्तक के स्वर भी आराम से बजेंगे। जी शार्प के बाद जो बांसुरी है वो है ए मिडिल। ए मिडिल लगभग 12 इंच की बांसुरी होती है। छोटी बांसुरी को बजाना और बनाना दोनों ही मुश्किल होते हैं, इनमें फूंक का लेवल सेट करना काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी अभ्यास लगता है इसमें, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते इतनी छोटी बांसुरी बिगिनर्स के लिए, ये प्रोफेशनल लेवल की बांसुरी होती है। अगर कोई बच्चा 7 साल का 8 साल का है और सीखना शुरू किया है तो आप ए मिडिल की बांसुरी या ए शार्प या बी मिडिल की बांसुरी 5 से लेकर 8-9 साल तक के बच्चों का आप उनको दे सकते हो ये मिडिल वाली बांसुरियाँ। ये ए शार्प मिडिल की बांसुरी है, इसकी लंबाई होती है लगभग 11 इंची। ये काली 5 की बांसुरी थी ए शार्प मिडिल, और आप छोटी बांसुरी में आप ये गैप देख सकते हैं, काफ़ी फ्लूट मेकर जो है इसको गैप को और भी कम कर देते हैं, ये आपस में इतना गैप कम रह जाता है, इतना सा रहता है तो उंगलियां रखने में तकलीफ होती है। जो हमने बांसुरी बनाई है तो आप ये देख सकते हैं उंगली आराम से इस पर रख सकते हैं, तो सारा काम ये मशीनों द्वारा करते हैं आजकल हम। इसकी होल्स की फिनिशिंग आप देख सकते हैं किसी भी बांसुरी की, ये सारा मशीनों से वर्क है, राउंड होल होंगे और इनके डिस्टेंस भी आप देखिए, ये बिल्कुल जैसे काफ़ी फ्लूट मेकर है उसको इसका आधा गैप रख देते हैं वो, क्योंकि नीस और ट्यून करने के अंदर दिक्कत होती है, तो बनाने की टेक्निक भी है और मेजरमेंट भी है। तो ये बी मिडल सबसे छोटी बांसुरी मिडल रेंज में, इससे छोटी बांसुरी भी आती हैं
वापस से फिर सी 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 शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ऐसे बांसुरियाँ स्मॉल भी आती हैं लेकिन स्मॉल की डिमांड उतनी नहीं होती है। ये सी बी मिडिल से के बाद सी और सी शार्प डी और डी शार्प ज़्यादातर ये चार ही फ्लूट आप ले सकते हैं। इनकी डिमांड वैसे बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग जिनको एकदम हाई पिच में बजाना होता है वही उसका इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी बांसुरियाँ जो हैं वो कभी कभी काम में आती हैं, रेगुलर काम में नहीं आती हैं। बाकी ये सारी बांसुरियाँ जो मैंने दिखाई हैं आपको 12, ये मिडिल बांसुरियाँ होती हैं। लोग कई कई बार इसको जिनको पता नहीं होता वो इनको स्मॉल बांसुरियाँ बोल देते हैं। स्मॉल की रेंज इस बी मिडिल से छोटी बांसुरियाँ जो आती हैं वो शुरू होती हैं, वो स्मॉल होती हैं, ये मिडिल होती हैं और बेस होती हैं फिर। तो ये बी मिडिल की बांसुरी है सफ़ेद 7। तार सप्तक के स्वर जो है इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। हर बांसुरी में तार सप्तक के स्वर बजते हैं तो ही हम कस्टमर को बांसुरी देते हैं, अदरवाइज वो हमारे पास स्टॉक में रखी रहती हैं, जाती नहीं। बांसुरी की हमारी ट्यूनिंग की 100% गारंटी है। बांसुरी का सेट 25,000 रुपये मिनिमम चालू है और 40,000 रुपये तक के सेट हम बनाते हैं। उसमें आपको एक्रेलिक की फ्लूट भी मिल जाएगी, पीवीसी फ्लूट का सेट भी मिल जाएगा, आपको बैम्बू बांसुरी मिल जाएगी और फ्राई बैम्बू भी मिल जाएगी। फ्राई बैम्बू और एक्रेलिक जो मेरी टॉप क्वालिटी की जो बांसुरियाँ हैं उनका सेट 40,000 रुपये का है। उसमें एक कवर भी आएगा और 24 बांसुरियाँ भी आएंगी और ट्रांसपोर्टिंग खर्चा भी इंक्लूड है। और जो 25,000 रुपये का जो सेट है वो नॉर्मल बैम्बू की बांसुरी है, उसमें पीवीसी की बांसुरी है, वो सेट 25,000 रुपये का रहता है। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। ये शायद मेरा पहला वीडियो है जब मैंने कोई पूरे सेट का बजा के डाला है। हालांकि सेट के ऑर्डर हमारे पास आते रहते हैं लेकिन वीडियो डालने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि एक सेट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है, तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज आप सबको ट्यूनिंग के बारे में मालूम पड़ जाए, हमारी लेटेस्ट ट्यूनिंग क्या है बांसुरियों की, तो उसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है उसके लिए। क्योंकि आज से अगर 1.5 साल 2 साल 3 साल पहले की बात करें तब से और आज में ट्यूनिंग में ज़मीन आसमान का, हमारी ट्यूनिंग में, पहले हमारी बांसुरी की ट्यूनिंग बनावट और आज की बनावट उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं हम लोग। तो बांसुरी खरीदने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।